भी आता है पहले हनुमान गढ़ी का दर्शन करता है, तब राम मंदिर में जाता है दर्शन करने। और यहाँ देखिए ये किला जो खड़ा है हनुमान गढ़ी में, ये मुसलमान ने ही बनवाया है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माजाम जगत व्यापनी बेड़ा पुस्तक धारणी मभयदाम जाटियां धकारापा हस्ते फाटी के मालिका विदुधोतीन पद्मा सने संसिता। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है अयोध्या के हनुमान गढ़ी में, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो एक उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, और उसमें सब लोग शरीक होने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज मंगलवार का दिन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही पूजा पाठ चल रहा है। और हमारे साथ अयोध्या के ही जो हनुमान गढ़ी के महंत हैं आनंद दास जी, इनसे हम बातचीत के छोटे पुजारी हैं ये। आनंद दास जी, अगर हम बात करें तो श्री राम लला विराजमान होंगे 22 को, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे? ये हिंदू मंदिर है, यहाँ हिंदू का राज चलेगा और चलता रहेगा हमेशा। वही बाबरी मस्जिद, किसी का औकात नहीं है कि हिंदू मंदिर तोड़े। बाबरी मस्जिद टूटा है, वो हमारा भाग था कि हमने सबने चंदा दे के बनवाया है, और कोई का औकात नहीं है कि राम मंदिर तोड़वा दे। राम लला विराजमान होने वाले हैं, हम चाहेंगे कि कुछ अपनी स्तुति दीजिए, कुछ श्लोक, कुछ भजन के माध्यम से, क्योंकि आप लगातार पूजा पाठ करते, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे हम व्याकरण अभी पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण से श्लोक सुनाना शुरू कर रहे हैं, और सुनाएंगे व्याकरण से ही श्लोक। हम पहले सरस्वती माता जी की वंदना करना है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माजाम जगत व्यापनी बेड़ा पुस्तक धारणी मभयदाम जाटियां धकारापा हस्ते फाटी के मालिका विदुधोती पद्मासने संसिता। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदान शारदां। ये सरस्वती माता जी का वंदना है। उसके बाद नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यः पाणिये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। उसके बाद 14 सूत्र बोला जाएगा। 14 सूत्र हम बोलने जा रहे हैं। अय उड़ रिर रिक अय ओंग अय ओच हय वरट लर यम गण नम झबय गट दस जब गट दस खाफा चटा त चटताउ कपे सस सर हाली तमा है सोरार सूत्रार अर आदि ऐसा मान्यता इतः। उसके बाद हकारा दिशोकार उच्चार अर्था लर मध्य तित्व संज्ञा कहा। हलंत्यम उपदेशंत्यम आद्योचारणम सूत्र सदिष्टम पदम सूत्रांतर तनुवतनीयम सर्वत्र अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संगम स्यात् तस्य लोपः तस्य तो। अच्छा ये बताकर हम हनुमान गढ़ी के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं और आप पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी की, तो इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से हनुमान जी, क्या महानता है यहाँ पर हनुमान गढ़ी की? जैसे हनुमान गढ़ी में 4 पट्टी हैं, एक सागरिया, एक बसंतिया, एक उज्जैनिया, एक हरिद्वारी। उसके 4 महंत अलग अलग हैं। जैसे सागरिया के अलग महंत, बसंतिया के अलग महंत, उज्जैनिया के अलग महंत, हरिद्वारी के अलग महंत। हम सागरिया में रहते हैं और यही सीढ़ी पे है हमारा स्थान, वही रहते हैं हम। और जैसे ऊपर में 4 एक दिन में 12 घंटा पूजा अर्पणा चलता है। जैसे पहले सागरिया का 4 घंटा, 3 घंटा सागरिया का, और 3 घंटा बसंतिया, 3 घंटा उज्जैनिया, 3 घंटा हरिद्वारी। ऐसे 3-3 घंटा एक दिन में 12 घंटा पूजा अर्पणा चलता है। और यहाँ जैसे ये मानता है कि जैसे सब मुसलमान हनुमान जी को नहीं मानते हैं। और यहाँ देखिए ये किला जो खड़ा है हनुमान गढ़ी में, ये मुसलमान ने ही बनवाया है। सिराजुद्दौला को सभी जानते होंगे, उनके पुत्र की तबीयत स्वस्थ मतलब खराब थी,
तो उन्होंने हनुमान जी के शरण में आया तो उनकी पुत्र की स्वास्थ्य ठीक हो गई, तब इसीलिए उसने हनुमान गढ़ी का निर्माण किया था। तो उन्हीं ने हनुमान गढ़ी का निर्माण किया था। और यहाँ जैसे बहुत महानते हैं, कई महान सागरिया के, कई महान वसंतिया के, कई महान उज्जैनिया के, कई महान हरिद्वारी के। और इस हनुमानगढ़ी का ये खासियत है कि यहाँ एक हर साल जब गद्दी नसीन का वर्ष गांठ मनाया जाता है, और यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। कोई भी आता है पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करता है, तब राम मंदिर में जाता है दर्शन करने। बिल्कुल, ये अयोध्या के राजा कहे जाते हैं। हाँ, अयोध्या के राजा लंका जलाने के आए थे यहाँ पर, तो उन्हीं ने राम जी उनको यहाँ स्थापित करवाए थे कि अयोध्या का राजा रहोगे तुम। जो कोई भजन सुनाना चाहेंगे, कोई हनुमान जी को लेकर, राम जी को लेकर कोई भजन अगर आपको मन में हो? मन में तो इस वक्त भजन नहीं है, लेकिन बाद में सुनाएंगे, कभी मिलोगे तो। अभी हमको विद्यालय जाना है, देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत बंधन। ये आनंद जी थे जो छोटे पुजारी है, यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तमाम और लोग यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता था, आप कहाँ से आए हो? हम गुजरात से। गुजरात से आप आए हो? अरे वाह, यानी कि प्रधानमंत्री का जो गृह स्टेट है वहाँ से आप आए हो, गुजरात से। अयोध्या में आप आए हो, यहाँ देख रहे हो कि पूरा जो रामलला को लेकर तैयारियां चल रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश। जय श्री राम। बहुत खुश हो। आपने दर्शन किया हनुमानगढ़ी का? हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और मंदिर का दर्शन किया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग नगरों से लोग आ रहे हैं जो अयोध्या में तैयारी चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो आवागमन रोक दिया जाएगा। तो कोशिश है कि लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर इसकी जो सुंदरता भव्यता है उसको देखे, क्योंकि उनको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बकायदे यहाँ पर दर्शन पूजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन जो अभी तक के कामकाज चल रहे हैं उसको देखने के लिए और जो लोगों के अंदर उत्साह उमंग है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कड़ाके की ठंड है इस वक्त, और इस कड़ाके की ठंड में टेम्परेचर काफी गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो जोश और उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।